मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट एसेक्सुअली कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो बेटा तीन तरह के, तीन मेथड हैं, तीन तरीके हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। नंबर वन है बेटा बल्ब फॉर्मेशन, किससे? बल्ब फॉर्मेशन। नंबर टू ट्यूबर से, बल्ब से, ट्यूबर से, और नंबर थ्री रनर। ये चैप्टर क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि सारे टर्म्स नए होते आपके लिए, आप फेमिलियर नहीं होते इस। बल्ब से, ट्यूबर से और रनर से, बल्ब से, ट्यूबर से और रनर से, इन तरह। अब ये क्या होते हैं, अब आपको एग्जांपल देते हैं। प्याज देखा है आपने? प्याज, अनियन देखा हुआ भाई? ऑनलाइन वालों ने नहीं देखा क्या? जी सर। बेटा होता क्या है, बल्ब कहते किसे हैं? प्याज अगर आप छीलते हैं तो एक तो प्याज के वो होते हैं जो लेयर्स होते हैं, सेंटर में अगर आप आ जाओ तो व्हाइट सा एक पार्ट होता है, होता है, इसी को बल्ब कहते हैं। असल में बल्ब क्या होता है, लिखते हैं, बल्ब इज अ शॉर्ट स्टेम, बल्ब इज अ, बोलो बेटा, शॉर्ट स्टेम, बल्ब इज अ शॉर्ट स्टेम, सारे मार्क्स स्कीम से उठा रहा हूं मैं। बल्ब इज अ शॉर्ट स्टेम विद लीव्स और रिमेन्स ऑफ लीव्स, विद लीव्स और रिमेन्स ऑफ लीव्स विच एक्ट एज अ, विच नॉर्मली एक्ट एज अ फूड स्टोरेज बट कैन डिवेलप, बट कैन डिवेलप इंटू अ प्लांट। कौन आया क्लास में भी? एक तो ऑनलाइन वाले बोलने से गुरेज करते हैं। तो बल्ब क्या है, समझ में आते हैं? प्याज को विजुअल करो तो प्याज में वो जो सेंटर में जो व्हाइट पार्ट है ना, दैट इज बल्ब, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में या तो लीव होता है या रिमेन्स ऑफ लीव होते हैं। तो अनियन की जो लेयर्स हैं असल में वो रिमेन्स ऑफ लीव्स हैं, जिनके अंदर असल में फूड स्टोर हो गया। लेकिन अगर प्याज से प्याज पैदा करना हो, क्या करते हैं आप? प्याज को ही सॉइल के अंदर डाल देते हैं, करते हैं ना ये? तो असल में क्या होता है, फिर उस बल्ब को जब सॉइल की कंडीशन मिलती है तो उस बल्ब में से ही शूट और रूट डेवलप करना शुरू कर देती है। सुनो, उस बल्ब में से, देखा ना प्याज जब उगता है, कच्ची प्याज लेते हो तो देखा आपने कि उस बल्ब में से, कच्ची प्याज अगर सब्जी वाले के पास जाके, बल्ब में से लीव्स निकल रहे होते हैं और नीचे से उसमें रूट्स निकल रही होती है। तो इसका मतलब है बल्ब हैज गॉट अ टेंडेंसी। क्या कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुई? नहीं हुई ना। तो बल्ब क्या है, असल में एक शॉर्ट स्टेम है जिसके सराउंडिंग में रिमेन्स ऑफ लीव्स मौजूद होते हैं, और जरूरत पड़ने पर अप्रोप्रिएट कंडीशंस अगर उसे मिल जाएं तो वो ग्रो कर जाएगा। इज दैट क्लियर? जी अनस आसिफ, अनस आसिफ, हानी इरफान, अलिशबा इकबाल। जी सर। बेटा अनस इतना जल्दी जल्दी जवाब दिया करो यार, ठीक हो गया। दूसरा आ जाए बेटा, दूसरा आ जाए ट्यूबर। ट्यूबर किसे कहते हैं? हाँ भाई, अभी ट्यूबर की एग्जांपल भी देता हूं, यहां लिख लेते हैं। ट्यूबर इज ऑल्सो अभी एग्जांपल दूंगा तो बोलिए ओ सर हमें तो पता ही, क्योंकि आलू प्याज की एग्जांपल इसलिए दी जा रही है ताकि रिलेट करना आसान हो। ट्यूबर इज अ स्मॉल स्टेम, अगेन ट्यूबर भी क्या है, स्मॉल स्टेम है। दे फॉर्म फ्रॉम
स्वॉलन फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम्स एंड न्यू स्टेम. इसकी तो और कॉमन एग्जाम्पल है, अभी एग्जाम्पल दूंगा फिर पढ़ोगे तो फटाक से समझ में आ जाएगा. बर्ड फ्रॉम देम. बेटा मेरे बच्चों, ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर क्या लिखा हमने? ये भी छोटी सी स्टेम है जो कि जब आप कोई प्लांट लगाते हैं तो उसके अंडरग्राउंड पार्ट में डेवेलप हो जाती है. ट्यूबर क्या होती है? छोटी. अब मैं आपको बताता हूं इसकी दो कॉमन एग्जाम्पल. अदरक देखी है? अदरक, जिंजर, गार्लिक. जी सर. अदरक अगर आप लिए हो तो अदरक देखा आपने कैसे उसमें अदरक क्या है? अदरक अंडरग्राउंड स्टेम है. आप अदरक से अदरक देखें कैसे डेवलप करती है. बड निकल रहा होता है, साइड से बडिंग हो रही होती है. बडिंग कहते हैं छोटा सा टुकड़ा निकल रहा होता है, ये सुनो. और वो छोटा सा टुकड़ा ग्रो करते करते एक बड़ी अदरक बन जाता है, दोनों अलग हो जाती है, ये सुनो. हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं हुई. आलू, आलू का बड देखा है? आलू में जो आलू का ट्यूबर तो दिखता है, अगर आप आलू लेते हो तो आलू के ऊपर बाज दफा छोटे छोटे येलो येलो कलर के कुछ चीजें नजर आई है कभी? आप आलू अगर आप सीजन में लें तो आपको आलू के ऊपर ये लगता है. मलिक साहब ने देखी है बस, और किसी ने देखी? बाकी के मुंह में बंद है वो भाई, बाकी लोगों को नहीं देखी. क्या ऑब्जर्वेशन रिलेट कर रहा हूं तो तुम लोग घरे की तरह बैठे हो. हाँ भाई, हानिया चुड़ैल, अलिशबा, मेरी एनर्जी ना ज्यादा वेस्ट होती है तुम लोगों को जगाने में, सो जाते हो तुम लोग. अनस जी सर, नहीं देखी सर मैंने. अबे गार्लिक नहीं देखा तुमने? गार्लिक देखा है मगर जो आप कह रहे हैं वो मुझे चलो, याद नहीं आ रहा. चलो एक मिनट रुक जाओ, अभी एक मिनट रुक जाओ, मुझे याद आया कि हम तो इंटरनेट पे है ना, अभी दिखाता हूँ. अब देखो इसी ट्यूबर से, देखो सॉइल में पड़े हुए तो इसी ट्यूबर से जो है, ट्यूबर क्या है? ये भी स्टेम है और वो जो मैंने बताया था वो क्या, बल्ब. बल्ब और ट्यूबर दोनों के दोनों क्या है? स्टेम है. जब इनको सॉइल में बो कर देंगे इसी से फिर बडिंग होगी और बडिंग होकर बाकी चीजें निकलने लगेंगी. इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर. किसमें? जी सर. ट्यूबर और बल्ब. बल्ब इसमें है ही नहीं, बल्ब अभी दिखाते हैं. बल्ब भी दिखा देते हैं तुम्हें, वही ना, तुम लोग तो फ्री हो जाते हो फौरन. अबे ऑनियन बल्ब उसमें कहां से होगा? पोटेटो में? पागल तो नहीं हो गया? पोटेटो में ट्यूबर होता है. ये देखो ये व्हाइट पार्ट, इतनी देर से बकवास कर रहा हूं मैं कि व्हाइट पार्ट में से ग्रो होता है. देखो यहाँ खेत की पिक्चर भी डाली हुई है उन्होंने कि व्हाइट पार्ट में से ही. कच्ची प्याज ही, कभी किचन में जाया भी करो कम वक्तों, नजर आ रहा है ना ये बल्ब? जी सर. ये अनियन का सेंटर वाला पार्ट, ये देखो ग्रो हो रहा है, इसमें से सेंटर में से निकल रहा है सब कुछ, सॉइल में ब्लो किया हुआ था. इसके अलग पैसे होंगे, देखे जाना. ओ भाई समझ में आया बच्चों? जी सर. आना सब तुम्हें समझ में आया? गार्लिक का भी दिखा दूं? चलो गार्लिक का भी दिखा देता हूँ. गार्लिक का तो क्लासिकल होता है यार, आलू का तो. गार्लिक का तो बिल्कुल क्लासिकल किस्म का होता है यार, बट यानी उसका ट्यूबर. बल्ब और ट्यूबर का फर्क समझ में आ रहा है? अबे भाई बल्ब और ट्यूबर का फर्क समझ में आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या है? हाँ, दोनों अंडरग्राउंड स्टेम है, इमेच्योर स्टेम है, दोनों डेवलप कर सकते हैं प्लांट के अंदर. फर्क क्या है? बल्ब इज लाइक अ बल्ब, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, और ट्यूबर जो होता है वो. जी अभी आ जाए ट्यूबर ऑफ गार्लिक. अबे ये तो अदरक हो गया ना सब, जिंजर करना था ना यार तुम लोग तो बताओ तो जिंजर लिखे सर. ये इतना क्लासिकल एग्जांपल है ये ट्यूबर की ग्रोथ का. देखो ना ये बडिंग हो रही है, बडिंग साइड में से देखो, ये देखो साइड में से निकल रहा है, साइड से निकल रहा है. इसी को जमीन में बो देंगे तो प्लांट पैदा हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ये तो या अल्लाह क्या कुदरत है मालिक की. देखा हुआ देखा हुआ देखा हुआ गधे कहीं. ओ भाई समझ में आ रहा है? अबे ऑनलाइन वालों
जी सर। यस सर। अनस तुम्हारे लिए दिखाया और तुम पता नहीं कहाँ इन्ना लिल्ला हुआ। जी सर। अलीशा इकबाल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब अलीशा इकबाल का जवाब नहीं आ रहा। तो दोनों ही अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं और दोनों को ही जब सॉइल में बो करते हैं तो दोनों से ही शूट और रूट डेवलप कर सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई नहीं हुई, बोलो भाई। चलो अब तीसरा आ जाते हैं रनर। ये रनर कौन है भाई? रनर थोड़ा सा डिफरेंट है, रनर के बारे में लिखते हैं। अब रनर जो होते हैं ना, इसकी एग्जाम्पल भी दूंगा। सम प्लांट्स ग्रो साइड शूट्स। साइड, अब देखो बल्ब भी अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा था, बल्ब भी अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा था, ट्यूबर भी अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा था। बेटा समझ में आ रहा है चैप्टर या नहीं आ रहा? नोट से आके पढ़ोगे भी, रिटर्न में मैं यहां पर भी दे रहा हूं। सम प्लांट्स ग्रो साइड शूट्स कॉल्ड रनर्स दैट कंटेन, इसकी भी क्लासिकल एग्जांपल दिमाग में आ गई है मेरे, दैट कंटेन टाइनी प्लांटलेट्स ऑन देम। दीज विल ग्रो रूट्स एंड डेवलप रूट्स एंड डेवलप इंटू न्यू प्लांट्स। अच्छा अब ये मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी देखिए, अभी देखा, पहले मैं ये नोट कर लिया है, फिर मैं पिक्चर में समझाऊंगा रनर क्या चीज होती। दिखाऊं? जी सर। ये देखो साइड शूट नजर आ रही है। देखो एक तो प्लांट नॉर्मली ग्रो कर रहा है, ये देख रहे हो साइड में भी निकल रही है शूट्स। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है। रनर क्या होता है? साइड शूट्स होती हैं। अबे भाई दिख रहा है, ये साइड में शूट्स निकलती भी। ये देखो प्लांट ये ग्रो कर रहा है, ये साइड में शूट्स निकल रही है, ये साइड में शूट्स निकल रही है। ऐसे बताता घंटा नहीं समझ में आता तुमको, तुम्हारी तो ऑब्जर्वेशन है ही कुछ नहीं भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा सर। हाँ और भी बहुत सारे देखो, ये लीफ ग्रो कर रही है, मिंट में भी, सही कह रही हूँ, मिंट में भी होता है। ठीक है, ये देखो ये रनर अलग से ग्रो कर रहा है, ये देखो रनर अलग से ग्रो कर रहा है, है जी बहुत सारी। ये देखो पौधे अलग ग्रो कर रहे हैं, रनर इधर उधर। तो रनर क्या है? रनर जाके सॉइल में चला जाएगा और सिंपल रूट्स डेवलप कर लेगा, और शूट तो उसमें ऑलरेडी है। ठीक है, उसमें नया प्लांट प्लाट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? अनस खौजा, अनस आसिफ जी सर। ये रनर क्या है? सिंपल रनर है। रनर आपका सॉइल में जैसी गिरेगा तो सॉइल में शूट छोड़ देगा, सॉरी रूट छोड़ देगा और नया प्लांट ग्रो कर लेगा। तो ये तीनों नेचुरल मेथड हो गए किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। समझ में कैसा कंचा आया? क्या मुश्किल लग रहा है यहां तक? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मेथड क्या है, यहां तक क्लियर? एग्जाम्पल भी नोट कर लो, एग्जाम्पल लिख लो। क्या एग्जाम्पल लेंगे यहां पर? यहां पर अनियन बल्ब्स, यहां क्या देंगे? जिंजर या पोटेटो ट्यूबर। और यहां पर स्ट्रॉबेरी। और पिक्चराइजेशन से दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ गया कि किस चीज की बात हो रही है? अब हेडिंग बनाओ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओ सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा ये सारे नेचुरल मेथड हैं, ये सुनो। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, ये तीनों जो नेचुरल मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्योंकि ये एसेक्सुअल है तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से होंगे या वेजिटेटिव से होंगे?
जी बेटा ये मेथड जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से होंगे वेजिटेटिव पार्ट से होंगे? जी ऑनलाइन वालों वेजिटेटिव सर। तो इसका मतलब है क्या मैं इनको एज अ होल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी लिख सकता हूं? तो हम यूं कहते हैं कि प्लांट में जो नेचुरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होती है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी अ बल्ब फॉर्मेशन, कैन बी अ ट्यूबर फॉर्मेशन, कैन बी अ रनर फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? मलिक साहब बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। पहले लिख लेते हैं एडवांटेजेस, ये सारे एग्जाम में अलग अलग पूछे जाते हैं जी। पहले आप तो बताएं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा नजर आ रहा है आप? सबसे मेन फायदा क्या नजर आ रहा है? बड़ा आसान सवाल पूछा है मैंने आपसे सर। ओनली वन पेरेंट इज नीडेड और सर वन पेरेंट इज बिल्कुल सिमिलर आइडेंटिकल इस तरीके से। चलें एक तो कॉमन आपको नजर आ गया कि ओनली वन पेरेंट इज नीडेड। अच्छा ठीक है, ये तो करेक्टरिस्टिक भी हो गया, मेजर एडवांटेज नहीं सुनाया आपने सर। नो नीड टू फाइंड अनदर पेरेंट, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन अनदर पेरेंट। तो ये हो गया ना ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, लेकिन मैं कुछ और सुनना चाह रहा था आपसे। चले मैं बता देता हूँ बेटा एसेक्सुअल। हाँ बोलो अनस, कुछ बोलना चाह रहे हो? आप बताएं सर। एसेक्सुअल मेथड जो है वो इंतहाई फास्ट मेथड होता है। सेक्सुअल मेथड देखो, गैमेट बनेंगे, फिर वो फ्यूज होंगे, फिर सीड बनेगा, फिर सीड जर्मिनेट करेगा, फिर प्लांट बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला तो क्या कि एसेक्सुअल जितने भी मेथड्स हैं दे आर इट इज फास्ट एंड लेस टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। इसमें टाइम और एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो कम है, नंबर एक। नंबर दो, आप जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हो। तो क्या मतलब है इससे, इसका फायदा कैसे हो गया आपको? भाई फायदा ये हो गया कि आप बाद आपने जीएमओ का नाम सुना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का नाम सुना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। यानी मान लो आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी क्रॉसेस कर रहे हैं हम, बहुत सारी क्रॉस करके प्लांट को मजबूत बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक प्लांट ऐसा है जिसमें ग्रोथ रेट तो अच्छा है लेकिन उसका जो फ्रूट है वो बहुत देर से आता है, और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसका फ्रूट जल्दी आता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जीन निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो एक ऐसा प्लांट तैयार कर लिया जिसका फूड ग्रोथ भी जल्दी होगा और ओवरऑल ग्रोथ भी जल्दी होगा। अब अगर ऐसा प्लांट हम ग्रो कराएंगे एसेक्सुअल से, तो वो तो एसेक्सुअली जब ग्रो करेगा तो ये कैरेक्टर खुद ब खुद आगे इनहेरिट होता जाएगा, या सुनो, क्योंकि जो जेनेटिकली कॉम्पोजिशन आपने पेरेंट को दे दी वही डॉटर में जाएगी। लेकिन अगर ये प्लांट सेक्सुअली ग्रो करेगा तो सेक्सुअली ये मेथड आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि वहां गैमीट बनेंगे जो फ्लावर में बनेंगे, आपने तब्दीली किया कि प्लांट में किए। तो वेजिटेटिव पार्ट के अंदर जो तब्दीली की जाएगी वो एसेक्सुअल मेथड के अंदर आगे इनहेरिट हो सकती है। तो आप इमेजिन करो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे तो वो एडवांटेजियस हो सकता है इस सेंस में कि आपने क्या किया, एक मॉडिफिकेशन की और उस मॉडिफिकेशन से क्या किया, बोलो बेटा, जल्दी जल्दी आपने वो पावरफुल जो जनरेशन थी वो पैदा करा ली। इसी तरह अगला पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो क्या कि दिस प्रोसेस कैन अकर, इट कैन अकर इन अनफेवरेबल कंडीशंस। क्योंकि ये प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसीलिए जब प्लांट को फेवरेबल कंडीशंस मुहैया नहीं होती हैं तो वो कैसे ग्रो करता है, एसेक्सुअल मेथड्स। तो मालूम हुआ कि अगर एक प्लांट एक ऐसी जगह पर है जहां पर एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा आइडियल नहीं है, सनिया नुमान तुम क्लास में हो भी या नहीं हो? तो मान लो कि एक जगह पर बहुत ज्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है तो वहां प्लांट एसेक्सुअली ग्रो
कर लेगा। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर होंगी। आर वी क्लियर? कोई मसला, कोई परेशानी? जी अनस, अलिशबा, मलिक साहब? सही है, ठीक हो गया। तो ये कुछ मेजर एडवांटेजेस। अच्छा, फिर इसी तरह एक मेजर एडवांटेज भूल गए, चूंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है तो इट मींस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया। स्क्रीन आ गई भाई? स्क्रीन आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज वाइटल रोल इन मीटिंग फूड डिमांड्स। सबसे बड़ा एडवांटेज तो भूल ही गए वो भाई, अगर आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराएंगे तो एक तो वो रिप्रोडक्शन स्लो है, फिर आपकी फूड डिमांड देखो पॉपुलेशन कुत्ते बिल्ली की तरह बढ़ रही है तो फूड डिमांड कैसे पूरी होगी भाई? समझ में आ रही है जी बच्चों? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे जो वाइटल रोल है क्या कि फूड डिमांड को मीट करने में काम कर रही। कोई मसला नहीं है, आगे चलते। अब बात करते हैं जरा डिसएडवांटेजेस, ठीक है? थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी। जी अनस, कोई डिसएडवांटेज है क्या? सर लाइक ऑफ वेरिएशन और फिर सबसे वेरी गुड तरीके से, वेरी गुड। सबसे पहला कि नो जेनेटिक वेरिएशन। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? नो जेनेटिक वेरिएशन विच मेक्स प्लांट बेटर एडेप्टेड टू देयर हैबिटेट। क्या ख्याल है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से सबसे जो मेजर डिसएडवांटेज आ रहा है वो क्या है कि कोई जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। भाई जो पेरेंट है वही डॉटर है, तो इसका मतलब क्या? जबकि जो जेनेटिक वेरिएशन है उसका रोल क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो प्लांट है उसके अंदर वेराइटी आती रहती है, जिसकी वजह से वो एनवायरमेंट में ज्यादा अडेप्ट कर लेता है। समझ में आ रही है? तो नो जेनेटिक वेरिएशन इज अ मेजर डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि इफ एनवायरमेंट चेंजेस इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर द प्लांट एंड ऑल प्लांट्स die resulting in wiping of species। जरा समझो सबसे बड़ा खतरा क्या है। सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं आ रही, बेटा समझना इस पॉइंट को, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रही। अब मान लो कि एनवायरमेंट अचानक से तब्दील हुआ, ऐसा तब्दील हुआ कि ये प्लांट उसके लिए तैयार नहीं थे, तो क्योंकि किसी प्लांट में वेराइटी है ही नहीं, अगर वेराइटी होती तो कोई ना कोई तो बचता, लेकिन वैरायटी है ही नहीं, सब एक जैसे हैं और वो इस कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या पढ़ते हैं एवोल्यूशन में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि दे वर नॉट फिट फॉर द एनवायरनमेंट, तो पूरे के पूरे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे। इसी तरह बात समझ में आई? बोलो भाई, बात समझ में आई? जी सर जी। इसी तरह अ डिजीज इन वन पेरेंट कैन स्प्रेड टू ऑल ऑफस्प्रिंग। क्या ख्याल है? अगर ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगर एक पेरेंट्स में भी डिजीज आ गई
तो वो आने वाली सारी नस्लों में आ जाएगी, यस और नो? क्योंकि जैसा कॉपी है वैसे ही आगे जाएगा, कोई कंफ्यूजन? हाँ ना, बोल भैया। अनस, हानिया, मलिक, समीर, सानिया जी। नहीं सर, वो कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आ गया? तो अब ये हमने समझ लिया कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सवाल आया हुआ है कि व्हाट इज द मेजर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट। तो आप क्या लिखेंगे स्पेसिफिकली इन क्रॉप प्लांट? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी एडवांटेजियस एज इट मीन्स दैट अ प्लांट दैट हैज अ गुड कैरेक्टरिस्टिक, high yield, disease resistant, can be made to reproduce asexually and the entire crop will show the same characteristic. Disadvantage kya hai? If one of the plant get disease as due to asexual reproduction, disease will spread to all the offspring. समझ में आई बात? कि फायदा क्या था? यही फायदा था कि अगर आपने एक ऐसा प्लांट बनाया जो हाई यील्ड हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, तो वो धड़ाधड़ वो आगे बनता चले जाएंगे। जबकि नुकसान भी यही है कि अगर आपने ऐसा प्लांट नहीं बनाया है तो डेफिनेटली जब एनवायरनमेंट चेंज होगा या किसी एक प्लांट में डिजीज आ जाएगी तो सब में फैल जाएगी। इज दैट क्लियर?